Day 9 of India's lockdown. Should you have a mentor or a coach in your life? क्या आपको अपनी लाइफ में एक कोच या एक मेंटर की जरूरत है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले या इस क्वेश्चन के ऊपर अपना व्यू पॉइंट देने से पहले मैं आपको कुछ एंशियंट इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ. बहुत लोगों को ये लगता है कि कोचिंग और मेंटरिंग हैज कम फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड. टू मेनी पीपल थिंक दैट कोचिंग मेंटरिंग हैज कम फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड बिकॉज स्पेशली इन वेस्ट, स्पेशली इन अमेरिका टुडे, आज हर तीसरा बंदा एक कोच है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हर तीसरा बंदा किसी न किसी को ये सिखा रहा है जो उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसका कोई स्किल, उसकी कोई एक्सपर्टीज, और वो उसके लिए चार्ज करता है. सो एसेंशली दे आर टीचिंग अ स्किल और एन एक्सपर्टीज एंड दे हैव बिकम अ कोच टू एवरी पर्सन आउट देयर. सो एवरी थर्ड पर्सन इन अमेरिका इज अ कोच, इज अ मेंटर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग और मेंटरिंग वेस्टर्न वर्ल्ड से आई है. कोचिंग और मेंटरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंशियंट इंडिया में हजारों साल से एग्जिस्ट कर रही थी. हम कभी कोच वर्ड या कभी मेंटर वर्ड यूज नहीं करते थे. हमारे यहाँ जो वर्ड यूज होता था उसका नाम था गुरु. जो शब्द यूज होता था उसका नाम था गुरु. अगर आप एंशियंट इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी आपको है तो आपको पता लगेगा कि हमारे एंशियंट इंडिया में हर किसी का, इनफैक्ट हर दूसरे बंदे का कोई ना कोई गुरु होता था. इनफैक्ट हमारे वैदिक टेक्स्ट, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी गुरु के बारे में बहुत डिटेल में बात किया गया है. इनफैक्ट चाणक्य, जो एक तरह से उनको कौटिल्य भी कहा जाता था, वो गुरु थे मराठा वॉरियर के चंद्रगुप्त मौर्य. द्रोणाचार्य जी गुरु थे पांडवों के, कौरवों के. इनफैक्ट लॉर्ड कृष्णा जी के भी गुरु थे परशुराम, जिनको विष्णु जी का छठा अवतार भी माना जाता है. इनफैक्ट शिव जी, जो एक पहले योगी थे जिनको आदि योगी बोला जाता है, वो गुरु थे उन सात संतों के, सेवन सेजेस के, जिनको शिव जी ने पूरा एग्जिस्टेंस का, ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान दिया था, जिसकी वजह से आज पूरा एक योगिक सिस्टम डेवलप हुआ है. जो भी आज योगी है इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इसलिए योगी है क्योंकि वो जो सारा ज्ञान उन सात संतों को दिया गया था, उन्हीं सात संतों के थ्रू पूरी दुनिया में आज पूरे योगिक ज्ञान फैला है. और जो मैं योगा की बात करता हूँ, कोई फिजिकल योगा की बात नहीं कर रहा हूँ. देयर इज अ कंप्लीट योगिक साइंस, ओके, विच बाय द वे सदगुरु जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट, विच आई रिस्पेक्ट अ लॉट. सो जो गुरु शब्द है गाइज, ये गुरु शब्द हमारे एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है सालों से. ये बात हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि हजारों सालों की गुलामी के बाद हम अपने कल्चर से, हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गए. इसलिए बहुत लोगों को लगता है कोचिंग मेंटरिंग बाहर से आई है. कोचिंग मेंटरिंग बाहर से नहीं आई है. गुरु, कोचिंग, मेंटरिंग एंशियंट इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, वहाँ से कोचिंग और मेंटरिंग आई है. इनफैक्ट आज आप कोई भी प्रोफेशनल एथलीट देखोगे, स्पोर्ट्स टीम देखोगे, सबके कोचेस होते हैं, सबके मेंटर्स होते हैं. सपोज लेट्स से यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर. Now, obviously, you can learn on your own or you can learn from your friends. But if you want to become a professional guy, professional basketball player, obviously, you need to learn from somebody who knows what drilling skills, what kind of practice, what kind of rituals, what kind of thinking, what kind of all the things which you need to learn for you to become a professional basketball player. Kitne sare CEOs, kitne sare entrepreneurs have gurus in their life, have coaches in their life. आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप को कि आप अपनी लाइफ में कितनी पेस, कितनी गति से आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर आपको अपनी लाइफ में खुद के एक्सपीरियंस, खुद की गलतियां, खुद की चोटें खा खा के सीखना है, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन डू दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट. बट अगर आपको दूसरों की लाइफ एक्सपीरियंस, दूसरों की सोच, दूसरों की समझ, दूसरों की ज्ञान, दूसरों की स्ट्रेटजीज, दूसरों के सिस्टम से सीखना है, तब आपको एक कोच होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी टाइम लाइन्स को बहुत रिड्यूस कर देता है. और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आज एक खुद कोच हूँ. मेरे कोचेस अपनी खुद में लाइफ में रहे और मैं जिंदगी भर कोच रखूँगा, जिंदगी भर गुरु रखूँगा, क्योंकि लाइफ ना बहुत छोटी है खुद की गलतियों से सीखने के लिए, खुद की मिस्टेक्स, खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए. अगर कोई वहाँ पे है, कोई बाहर है जो आपको सिखा सकता है, लेट्स से यू वांट टू लर्न हाउ टू स्केल अप अ बिजनेस, लेट्स से यू वांट टू लर्न हाउ टू बिकम फिट, इफ देयर इज समबडी आउट देयर हु कैन टीच यू कि आप ये खाओ, लेट्स से यू वांट टू बिकम फिट, आप ये खाओ, ये डाइट करो, इस तरीके का वर्कआउट करो, इस तरीके की आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, अगर कोई सिखा सकता है और आपकी टाइमलाइंस को टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट रिड्यूस कर सकता है, देन व्हाई नॉट. सो ये क्वेश्चन का आंसर डिपेंड्स अपॉन यू, वेदर यू वांट टू रन फास्ट, यू वांट टू मूव अहेड फास्टर इन योर लाइफ, और यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स विच माइट टेक यू ईयर्स एंड ईयर्स. सो डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू शुड हैव अ कोच और अ मेंटर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू वांट टू लिव फॉर योरसेल्फ. So if this video has added a lot of value into your life and it gives you a perspective whether you should have a coach or a guru in your life or not,
then if you have a perspective now, then please go ahead and like this video, share this video with your friends. Also subscribe to my YouTube channel so that you're notified for every single video that is going to be uploaded on my channel. And I'll see you tomorrow on day 10 of India's lockdown.